आजमगढ़ के माहुल में हौसला बुलंद बदमाशों ने शनिवार की शाम को करीब 7:30 बजे अहिरौला थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से कर्मचारियों को तमंचा सटाकर 1,60,000 की लूट करके मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के अलावा थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। चांदनी चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप पर 3 बाइकों 6 बदमाश नकाबपोश व मास्क बांधे आ धमके। पेट्रोल पंप पर मालिक अजय यादव व अन्य लोगों के मौजूद होने के चलते बदमाश इधर उधर समय बिताए, फिर उसके बाद अलग अलग 3 बाइकों में पेट्रोल भी भरवाया। जैसे ही पंप मालिक अपने वाहन से चांदनी चौक बाजार की तरफ निकले, तभी बदमाश अपने असली तेवर में आ गए। एक बदमाश तुरंत उतर के पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा हो गया, जबकि 3 बदमाश 3 बाइकों को संभाल लिए। अन्य 2 बदमाश असला लेकर अंदर चैम्बर में घुस गए और कर्मचारी संदीप के पास मौजूद 1,60,000 कब्जे में ले लिया और इसके बाद असला लहराते हुए सभी मौके से फरार हो गए। बदमाशों के हाथों में असला देखकर मौजूद पंप कर्मियों ने रोकने की हिम्मत नहीं की। घटना की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही एसपी सुधीर कुमार सिंह भी पेट्रोल पंप पहुंच गए और उन्होंने जांच पड़ताल की। आजमगढ़ से राजन यादव की रिपोर्ट। 7 बजे सामाजिक तत्व 3 बाइकों से 6 की संख्या में सवार होकर हेलमेट लगाए थे, मास्क पहने थे, पंप पे आए और नोजल मैनों को पिस्टल लगा के कैश छीन लिए। इसके बाद ऑफिस की तरफ बढ़े और ऑफिस का दरवाजा खुलवा के लोग अंदर ऑफिस के अंदर लोग समझ नहीं पाए, दरवाजा खोल दिए और अंदर आके भी पिस्टल लगा के जो कैश था उसको ले लिए। और पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कि अगर पुलिस को बताए तो गोली मार दूंगा, ये कहते हुए यहाँ से चले गए।